हरियाणा के फरीदाबाद में घर में अपने माता पिता के साथ बेड पर सो रहे 3 दिन की नवजात बच्ची का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर शव को तालाब किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही मासूम बच्ची है जिसने कुछ ही दिन पहले ही दुनिया में कदम रखा था। मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा जो किसी अज्ञात हत्यारे ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। उसने तो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी। बोला भाई, कब बच्ची पैदा हुई थी और कैसे गायब हुई? जी सर, कोई थी सर, हम बजे तक लेके आए थे और शाम को हम सोए तो रात को 2:30 बजे जैसे हमारी घरवाली ने मेरे को जगाया था तो हमारे बेड पे लड़की नहीं थी। डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी कहाँ हुई थी? सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, बल्लभगढ़। हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 हैं जी फिलहाल। क्या है? एक लड़का लड़की है। ये तीसरी लड़की थी है? तो क्या, कैसे पता चला आपको, क्या हुआ फिर उसके साथ? उसके साथ पता तो ये चला नहीं क्या हुआ है जी, पर हमारे पास 2:30 बजे जब देखा था थी नहीं लड़की। उसके बाद हमें ढूंढ डांट भी करी पर हमें कहीं नहीं पाई। फिर कहाँ मिली अब? अभी हमारे पास कई जोड़ है उधर पाई थी। तालाब में मिली है? दूसरी तालाब किनारे। जब मिली जब देखी जब नहीं। तो क्या लगता है आपको, 3 दिन की बच्ची से किसकी दुश्मनी थी, कौन क्यों ले गया, कोई वजह? किसी का कोई कह नहीं सकते। किसी पे कोई शक नहीं? हमारे वैसे किसी से कोई जाति दुश्मनी है नहीं जी, पर कोई हमसे निकाल रहा हो तो कह नहीं सकते। सही बात है। क्या नाम है आपका? रामवीर नाम है। रामवीर, 3 दिन की बच्ची लापता हुई फिर उसकी डेड बॉडी मिली है, क्या है मामला? मामला सर कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमने गए थे वहाँ पे, वो पुलिस में कन्फेशन कर अपना, हमने सोचा कि कोई जानवर ले गया उसको, बच्ची को। तो हमने उस समय थोड़े बातचीत भी करी पुलिस वालों से, हमने पूछा तो वो कह रहे देख लो भाई अपना ढूंढाढ़ कर लो। हमने रात भर दिन भर कई दिन तक हम ढूंढते रहे, फिर कल हमें जाके पता चला भाई हमें किनारे पर वहाँ बच्ची मिली है, तालाब किनारे। हाँ, तालाब किनारे पर हम देखने गए जी, सीधे फिर थाने पहुँचे, हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। उससे पहले भी आपने किनारे पे तलाश की थी बच्ची, गए थे ढूंढनी थी? नहीं थी उस समय? नहीं, उससे पहले हम गए थे जी, उससे पहले कुछ नहीं था। हमने किनारे गली, आपने देखी बच्ची के चोट के कहीं निशान थे? हाँ, चोट के निशान है, बच्ची की नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, उसके सर नीला पड़ रहा है, एक हाथ नीला पड़ रहा है उसके। तो क्या बच्ची ऐसी लग रही थी जैसे कि आज ही मारा हो किसी ने उसको? कोई जानवर के निशान नहीं है? नहीं, जानवर वानवर का ऐसा कोई निशान नहीं लगा। क्या लगता है किसी इंसान ने मार के फेंका? किसी इंसान वगैरह नहीं। तो कोई दुश्मनी है आप लोगों की? नहीं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है हमारी वैसे, किसी पे शक नहीं, कोई शक नहीं जी। पुलिस थाना सेक्टर 55 पुलिस के जांच अधिकारी धर्मेंद्र की माने तो ये पहले भी इनके पास बच्ची के गुम होने की सूचना लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने मामला दर्ज नहीं कराया था। इनको लग रहा था कि बच्ची को कोई जानवर उठाकर ले गया होगा, लेकिन बच्ची के शरीर पर चोट के निशान है, उनको लगता है कि बच्ची की हत्या की गई है। सर, 3 दिन की बच्ची की बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? ये 22-23 की रात को इनको 2:30 बजे पता चला कि इनकी बच्ची गायब हो गई है माँ के पास से, तो उसके बाद इन्होंने आए थे फिर, लेकिन कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं दी, कहा जी हम ढूंढ रहे हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, शायद कोई बंदर या कुत्ता वगैरह उठा के ले गया है, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। उसके बाद कल डेड बॉडी मिली है, तो कल इन्होंने कंप्लेंट करी है, उस पर एफ आई आर लॉज कर दी है। कहाँ मिली डेड बॉडी, किस हालत में थी? डेड बॉडी इनके घर के पीछे पानी भरा हुआ है थोड़ी सी दूरी पर, वहीं मिले है उसके बिल्कुल किनारे पर। तो किस हालत में थी, कोई बॉडी चोट के निशान या कोई जानवर के निशान? नहीं, बॉडी के ऊपर चेहरे पर चोट के निशान तो हैं, ब्लीडिंग भी है थोड़ी सी, पर और कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो प्रथम दृष्टि में क्या हत्या लगती है? हाँ, लग तो यही रहा है, शायद हत्या हो। तो फिलहाल क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस अभी? फिलहाल अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जैसे जैसे सबूत आते जाएंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। परिजनों के सिर्फ शक जताया क्या? नहीं, अभी कोई शक नहीं जता। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है।